कनाडा के शहर टोरंटो में हिमाचल प्रदेश के पूर्व परिवहन मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली के लिए शोक सभा का आयोजन हिमकैन एसोसिएशन एवं एनआरआई एसोसिएशन ओवरसीज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान कनाडा में बसे हिमाचलियों ने जीएस बाली को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। शोभा सभा में उपस्थित कनाडा में रह रहे हिमाचलियों ने इस दौरान जीएस बाली के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी तस्वीर पर अपने हस्ताक्षर सहित अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। कनाडा में भाई दिलीप जी हमारे हिमकैन के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ हैं। आज हम सब ने मिलकर के एक विकास पुरुष हमारे हिमाचल प्रदेश से श्री जीएस बाली जी, जिनको श्रद्धांजलि दी। हमारे सभी हिमाचली भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए। इनका जो जाने का जो एक घाटा है, परिवार को तो है ही है, पर जो समाज को जो क्षति पहुंची है उसका जो है खामियाजा पूरा नहीं हो सकता। बाली जी अपने विचारों से हमेशा प्रत्येक हिमाचली के हृदय में जीवित रहेंगे। जो विचार उन्होंने प्रतिपादित किए हैं वो हम सब मिलकर के उसको आगे बढ़ाना है। बाली जी ने हिमाचल प्रदेश की तरक्की के लिए सदैव दिन रात अथक मेहनत की, अथक प्रयास किया और हिमाचल को बुलंदियों पर पहुंचाया। अभी हमारी जो है चर्चा हो रही थी, भाई साहिल जी हैं हमारे पंजाब बठिंडा से, तो वो सोचते थे, कहते कि भी हम कभी वॉल्वो में कभी सफर कर पाएंगे कभी ऐसे, तो बाली जी एक ऐसे थे जो वॉल्वो हिमाचल प्रदेश में लेकर के पहले आए। तो कहते कि मुझे बड़ी खुशी पहुंची कि जब मैंने चंडीगढ़ में वॉल्वो को पहली बार और इलेक्ट्रिक बसें जो चलाई, इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने खोले, हिमाचल प्रदेश के लिए जो विकास की एक गाथा जो बाली जी ने लिखी है उसके लिए वो कभी बुलाए नहीं जा सकते। हमारे बड़े पारिवारिक रहे, नजदीकी रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।